इस सेशन में हम लोग एक SDD लिखेंगे फॉर काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन अ गिवन बाइनरी नंबर। ओके, तो बाइनरी नंबर कैसा हो सकता है? एक नंबर तो ऐसा हो सकता है कि सपोज करो हमने क्या कह दिया हो, इस तरह का नंबर हो कि ये मींस पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट, इसके इधर भी है उधर भी नंबर है। ओके, फ्रैक्शनल नंबर है लेकिन ये बाइनरी नंबर है। ओके, एक नंबर ऐसा हो सकता है कि सिंपल ऐसे करके हो। तो ये टोटल दो पॉसिबिलिटी हैं जिनके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, मींस ऐसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो इस तरह के नंबर्स को क्या करे, जनरेट करा सके। ओके, तो हमने कहा कि लेट द नंबर इज एन। ओके, एन स्टार्ट सिंबल ऑफ ग्रामर है और पहले तो हम ये केस लेते हैं, तो हमने कहा एल डॉट एल। ओके, एल से जनरेट कराएंगे इसको और एल से ही इसको, तो बीच में डॉट आ गया, दोनों साइड एल है। और सपोज करो नंबर इस तरह का हुआ तो एन से हम क्या कहेंगे, एन से सीधे एल ये जनरेट करा दे। ओके, अब चूंकि यहां पर नंबर ये कितनी भी नंबर ऑफ बिट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए अब क्या कहेंगे, एल को रिकर्सिव कर दे ताकि स्ट्रिंग कितनी भी लंबी हो सके, एल बी। ओके, और यहां से हमने क्या कह दिया, एल से एल बी कह दिया और एल से ही हमने सिर्फ एक बिट हो तो इसको यहां से हैंडल कर लें। ओके, अब यहां से बी को क्या बता दें, बी को या तो बी, बी मतलब बिट है। ओके, और या तो बी क्या है, वन है। ओके, तो अब इसका मतलब ये मैंने क्या कर दिया है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिख दी है, इससे आप कोई सा भी बाइनरी नंबर जनरेट करा सकते हो जिनका टाइप यहां मैंने अभी लिखा था। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स काउंट करनी है आपको इस बाइनरी नंबर में, स्ट्रिंग गिवेन है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले पार्सिंग करते हैं और उसके बाद लॉजिक सेट करते हैं कि क्या लॉजिक होना चाहिए। ओके, तो हमने ये यहां से लिया एन, तो ये इधर से एल है, इधर से एल है। ओके, और पहले तो हमें वो नंबर जनरेट करना है, तो हमने कहा ये इधर से क्या एल, एल से सीधे एल बी है, एल और ये बी। ओके, तो एक ही बी आया है अभी और बी से ही टर्मिनेट हो रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, एल बी। ओके, दूसरी बी आई है और यहां से एल से डायरेक्ट हमको बी का चॉइस है। ओके, सिमिलरली यहां पर भी करेंगे हम एल बी, एल बी और यहां से ये बी। ओके, अब यहां से आप देख लो कि जो बी है, बी से जीरो, बी से वन पॉसिबल है। ओके, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां से बी से हमारा नंबर क्या, वन वन वन, तो इस बी से ये वन हो गया, इस बी से ये वन हो गया, इस बी से ये वन हो गया। ओके, यहां से डॉट के बाद है तो ये क्या हो गया, वन एंड इससे जीरो एंड इससे वन। तो ये ओवरऑल हमने क्या कर दिया, एक पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट कर दिया फॉर दिस स्ट्रिंग। इसका मतलब ये ग्रामर क्या है, करेक्ट लिखी हुई है फॉर जनरेटिंग द बाइनरी नंबर्स। ओके, अब हमको इस पे क्या करना है, इस पे SDD कंप्लीट करनी है। तो इसका मतलब है विद ईच प्रोडक्शन वी हैव टू एसोसिएट सम सिमेंटिक रूल। ओके, तो अब आप यहां पे देखो, व्हेन वन इज रिड्यूसिंग टू बी। ओके, तो ये वन क्या है, वन इज अ वन बिट। ओके, तो ये वन बिट जो है ये काउंट हो जानी चाहिए। तो जब हम बी डॉट नंबर ऑफ बिट्स की बात करें तो वन कर दें, लेकिन जब बी से एल में जा रहे, रिड्यूस हो रहे हैं, तो कोई बिट में, नंबर ऑफ बिट्स में किसी तरह की कोई इंक्रीज नहीं है। जो यहां पर बी डॉट नंबर ऑफ बिट्स था वो यहां पर भी है। ओके, तो सिंपल इसको इसमें असाइन कर देना है। यहां पर अगेन कहूंगा कि व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग इट इन बॉटम अप मैनर, आप आंसर पा रहे हो। ओके, तो यहां पर जो एट्रीब्यूट्स जो यूज करूंगा मैं,
वो क्या होंगे, सबके सब सारे जो एट्रीब्यूट्स होंगे मीन्स इसमें वो सारे के सारे सिंथेसाइज्ड होंगे। ओके, नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स, ओके एन ओ बी नंबर ऑफ बिट, ये एट्रीब्यूट यूज किया है, वन है यहाँ पर। अगर यहाँ पर भी बात करूँ तो अगर जीरो है तो वो भी एक ही बिट है, ओके उसको भी हमने बता दिया। यहाँ पर एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू बी डॉट एन ओ बी, क्योंकि बिट का कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जो अब तक आया उसको सिंपल असाइन कर देना है। यहाँ से अगर बात करूँ एल वन डॉट एन ओ बी इक्वल टू एल टू डॉट एन ओ बी प्लस बी डॉट एन ओ बी, ओके इंक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है। अब आप चाहे यहां पर बी डॉट एन ओ बी कह दो और चाहे b का मतलब एक ही बिट है, ओके तो चाहे सीधे प्लस वन कर दो, दोनों ही केस में कोई इशू नहीं होगा। ओके तो अब आगे यहां पे आते हैं n डॉट एन ओ बी इक्वल टू एन डॉट एन ओ बी इक्वल टू एल डॉट एन ओ बी, यहां से आते हैं एन डॉट एन ओ बी इक्वल टू एल डॉट एन ओ बी। आप चाहो तो यहां पर भी दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए प्लस एल टू डॉट एन ओ बी ये कह सकते हो। ओके तो ये मैंने लिख दिया है, चेक करते हैं क्या करेक्ट है। ओके तो पार्स ट्री तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, अब क्या करना है बॉटम ऑफ ऑर्डर में इसको इवेलुएट करना है। तो यहां से बी डॉट एन ओ बी कितना आया, हमने उसको वन इनिशियलाइज कर रखा, व्हेन वन इज रिड्यूसिंग टू बी नंबर बी इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इक्वल टू वन। यहां पर एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है, एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है बी डॉट, मतलब जो बी डॉट एन ओ बी जो कंप्यूट हुआ है, जो इस एल की वैल्यू को कंप्यूट कर रहा है, जो इसका चाइल्ड बी है जो इसने कंप्यूट किया, सिंपल वो असाइन कर देना है। ओके नाउ कम टू दिस प्लेस, यहां क्या है बी डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है वन। नाउ कम टू दिस प्लेस, एल एल बी इज रिड्यूसिंग टू एल, एल बी इज रिड्यूसिंग टू एल, तो क्या है एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है भाई, यहां पर यहां से एल टू डॉट एन ओ बी, एल टू डॉट एल टू ये है तो वन प्लस बी डॉट एन ओ बी। ओके तो बी डॉट एन ओ बी क्या है वन, तो ये ओवरऑल कितना हो गया टू, दो ही बिट अब तक मिली है, आप देख भी सकते हो दो ही बिट है। यहां से आए हम तो बी डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है वन, यहां पर पहुंचे तो एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है इधर से टू और इधर से वन। ओके तो ये टोटल कितनी हुई थ्री। नाउ ये ऐसे करके यहां पे आएगा, ओके बी डॉट एन ओ बी इक्वल टू वन, यहां पर जाएगा बी इज रिड्यूसिंग टू एल, तो क्या होगा एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू वन बी इज रिड्यूसिंग टू एल, देर इज रूल एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू बी डॉट एन ओ बी दैट इज वन। ओके यहां पे आया तो बी डॉट एन ओ बी इक्वल टू वन, ये यहां पे आया एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू एल वन डॉट एन ओ बी मीन्स एल डॉट ये वाला है तो एल टू, एल टू इसको बोल रहे हैं तो वन प्लस ये वाला वन टू और ये टू रख दिया जाएगा। ओके अब ये ऐसे करके यहां आएगा तो यहां से बी डॉट एन ओ बी इक्वल टू क्या है वन, और जब ये यहां रिड्यूस होने हुए पहुंचेगा तो ये क्या होगा एल डॉट एन ओ बी इक्वल टू इस साइड से एल डॉट एन ओ बी टू प्लस इस साइड से वन। ओके तो टोटल कितनी हो गई थ्री। ओके अब जब यहां एन पे पहुंच रहे हैं तो एन डॉट एन ओ बी इक्वल टू एल वन डॉट, मतलब इस साइड से जो है एन डॉट एन ओ बी इक्वल टू थ्री प्लस थ्री। ओके तो ये सिक्स इज द फाइनल आंसर, अगर इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ बिट्स तो वो सिक्स ही हैं। ओके एंड दैट्स डन।